धौलपुर पुलिस और आगरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चिकित्सक को कराया मुक्त। 5 करोड़ फौती मांग रहे थे बदमाश। हाथ पैर बंधी अवस्था में चिकित्सक मुक्त, 1 महिला एवं 1 व्यक्ति साजिशकर्ता गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से अपहरण किए गए मशहूर चिकित्सक उमा शंकर गुप्ता को आखिर जिला पुलिस और आगरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र के भमरोली और घेर गांव के चंबल के बिहड़ो से मुक्त करा लिया। पुलिस ने 1 महिला और 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बुधवार सुबह से ही धौलपुर SP और आगरा SP चंबल के बिहड़ो में दबिश रहे थे। पुलिस के सार्थक और कठिन प्रयासों की बदौलत रात्रि करीब 1 बजे के आसपास चिकित्सक को हाथ पैर से बंधी हुई अवस्था में मुक्त करा लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने चिकित्सक के परिजनों से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। चिकित्सक को मुक्त कराकर जिला पुलिस और आगरा पुलिस ने बड़ी राहत की सांस ली। गौरतलब है कि आगरा जिले के अतमादोला क्षेत्र के रहने वाले चिकित्सक उमा शंकांत गुप्ता मंगलवार देर रात को अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ता चिकित्सक को अपहरण कर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के चंबल नदी के बिहड़ो में लाकर छुप गए थे। SP धौलपुर केसर सिंह शेखावत ने बताया कि चिकित्सक के अपहरण के मामले में आगरा सिटी SP रोहन बोथरे ने जिला पुलिस को मामले से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि तकनीकी साक्ष्य पर शुरुआत में चिकित्सक की लोकेशन चंबल के बिहड़ो में मिली थी। इस दौरान धौलपुर पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति और महिला को भी हिरासत में लिया था, जिनकी निशानदेही पर बुधवार सुबह से ही धौलपुर SP और आगरा SP के नेतृत्व में भारी पुलिस बल को साथ लेकर चंबल नदी के बिहड़ो में सर्चिंग अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि चंबल नदी मध्य प्रदेश सीमा से लगी हुई है, ऐसे में अपहरणकर्ताओं की आशंका MP की तरफ भागने की दिखाई दे रही थी। चिकित्सक को मुक्त कराने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा एक्सपर्ट और स्पेशल पुलिस अधिकारियों की टीम का गठन किया गया। दिन और रात में किए गए कठिन संघर्ष के बाद आखिर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और रात्रि करीब 1 बजे के आसपास जिला पुरुष और आगरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चिकित्सक को घेर मरोली के जंगलों से सुरक्षित मुक्त करा लिया। इस दौरान किडनैपर पर फरार हो गए। चिकित्सक को रात्रि में सकुशल और सुरक्षित मुक्त कराने के बाद जिला एवं आगरा पुलिस ने राहत की बड़ी सांस ली। अपहरणकर्ताओं ने चिकित्सक उमाकांत गुप्ता के परिजनों से 5 करोड़ रुपए फिरौती की मांग रखी थी। अपहरणकर्ता और चिकित्सक के परिजनों ने 1.5 करोड़ का सौदा भी तय हो गया था, लेकिन धौलपुर SP खुद पुलिस टीम को लेकर चिकित्सक को सुरक्षित मुक्त कराने के लिए चंबल के बिहड़ो में पैदल चलकर सर्चिंग ऑपरेशन करते रहे। पुलिस की सराहनीय मेहनत का परिणाम रहा कि रात्रि 1 बजे चिकित्सक को मुक्त कराने में कामयाबी मिल गई। अपहरणकर्ता चिकित्सक को हाथ पैर बांधा हुआ छोड़कर फरार हुए थे। चिकित्सक काफी डरा और सहमा हुआ था। अपहरणकर्ताओं से मुक्त होकर चिकित्सक ने धौलपुर और आगरा पुलिस का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के अपहरण की साजिश में 1 महिला की मुख्य भूमिका रही, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला के साथ एक पवन नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। चिकित्सक के अपहरण की रूपरेखा नजदीकी महिला ने रखी थी। मंगलवार देर रात्रि को चिकित्सक उमाकांत गुप्ता महिला के कहने पर अस्पताल से कहीं गया हुआ था, लेकिन जब देर रात्रि तक वापस नहीं लौटा तो परिजनों को शक हुआ था। फिलहाल चिकित्सक को मुक्त कराकर जिला पुलिस ने आगरा पुलिस को सुपुर्द किया है। SP शेखावत ने बताया कि प्रारंभिक अनुसंधान में बदन सिंह गैंग का अपहरण में हाथ माना जा रहा है, जिसकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अपहरणकर्ताओं को शीघ्र ट्रेस कर गिरफ्तार किया जाएगा। धौलपुर से विशाल गर्ग की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। को आगरा से एक उमाकांत गुप्ता नाम के डॉक्टर का अपहरण हुआ था। न उत्तर प्रदेश पुलिस को जानकारी थी, न राजस्थान के किसी पुलिसकर्मी को इस घटना की जानकारी थी। रात्रि गश्त में निहालगंज थाने की पुलिस को एक गाड़ी संदिग्ध अवस्था में मिली। जब चालक और गश्ती दल ने उनसे गहनता से पूछताछ की तो वह व्यक्ति और ज़्यादा संदिग्ध प्रतीत हुआ, तो उसको थाने ला करके कड़ाई से पूछताछ की गई। इससे ये खुलासा हुआ कि ये वाहन एक अपहरण में प्रयुक्त हुआ है और एक व्यक्ति को आगरा से किडनैप करके और चंबल के बिहड़ो में दिहोली थाना क्षेत्र में कहीं पे अपहरणकर्ताओं के
सुपुर्द करके और वो व्यक्ति आया था। घटना बहुत गंभीर थी, इसलिए तत्काल उत्तर प्रदेश पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। जानकारी मिलने पर उत्तर प्रदेश की सिटी आगरा एसपी सिटी आगरा अपने पूरे लवाजमे के साथ में धौलपुर आए। मेरे द्वारा और एसपी सिटी द्वारा जो भी संदिग्ध व्यक्ति पुलिस के गश्ती दल द्वारा पकड़ा गया था, उससे गहनता से पूछताछ की गई, उसको मौके पर ले जा करके और उस स्थान की निशानदेही की गई जहां पर कथित तौर पर अपहृत को कंदराओं में, चंबल की कंदराओं में रखा गया था। काफ़ी कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर का कहीं अता पता नहीं लगा। जिस स्थान पर ड्राइवर द्वारा उस व्यक्ति को ड्रॉप किया गया था, वह स्थान चंबल से मुश्किल से 100 मीटर दूरी पर था और वहाँ से चंबल का जो पानी का जल स्तर है वो कहीं पर 1.5 फीट, कहीं पे 2 फीट, कहीं 3-3.5 फीट से ज़्यादा नहीं था। इसलिए ये महसूस किया गया कि ये संभव है कि डॉक्टर को इस स्थान पर इसलिए लाया गया है कि उसको यहाँ से सहज रूप से पैदल चंबल पार करके मध्य प्रदेश ले जाया जा सके। इस संभावना को रूल आउट करने के लिए पूरे जाब्ते को कॉम्बिंग करते हुए पैदल चंबल से ले जाके वहाँ चंबल पार महूखेड़ा गांव में, जहाँ कुछ संदिग्ध लोगों की आमदरफ्त होना ज्ञात हुआ था, वहाँ एक एक घर की तलाशी ली गई। आसपास के क्षेत्र का पूरा कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगे। इसके बाद इसी दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी मिली, तो वापिस पूरा दल चंबल को पैदल पार करते हुए वापिस आया और कई गाँवों में दबिश दी गई। इसी दौरान ये तथ्य सामने आया कि उस डॉक्टर को अपहरण करने में एक महिला का भी हाथ